हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे चैनल स्टडी वेव में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ का फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द रेड ड्रैगन। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और इसकी स्टोरी अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, ताकि कई बच्चों को जिनको डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इस चैप्टर के। ये चैप्टर वैसे तो बहुत लेंथी है, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है उसको समझने में स्टार्टिंग के अंदर, पर आज हम जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसमें आपको समझने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ठीक है, हम इसको अच्छी तरीके से स्टोरीज की एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो ये स्टोरी शुरू होती है पहले कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम है पेडलर। वैसे तो पेडलर कोई नाम नहीं होता, ये टाइटल होता है। पेडलर का मीनिंग होता है फेरी वाला, जो आपके घर तक आपको सामान देता है, जैसे सब्जी वाला हो गया, प्लास्टिक वाला हो गया, या कोई ऐसे छोटे मोटे सामान जो आपकी गली में आपके घर तक आता है और आवाज लगाकर भेजता है। ठीक है, उसे हम पेडलर बोल देते हैं। और पेडलर जो था, इसका काम क्या था? इसका काम था रेड ट्रैप सेल करना, चूहेदानी को सेल करना। अब इसका वैसे ही तो इसके पास कोई घर नहीं था अपना, ये गरीब था। ठीक है, ये चोरी चकारी किया करता था, क्योंकि इसका बिजनेस जो था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसके वजह से इसको क्या करना पड़ता था, चोरी चकारी भी करनी पड़ती थी। ये भीख भी मांगता था और अपने रेड ट्रैप को खुद बनाया करता था और सेल करता था। ठीक है, ये बनाने के लिए उनको एक सामान होता था, ये फैक्ट्री वगैरह से किसी से भीख मांग लेता था, उनसे उनसे ले लेता था और उससे वो रेड ट्रैप को बनाया करता था। ठीक है बच्चों, तो ये एक गरीब था और ऐसी आवारा सा टाइप का था, ऐसा कोई घर नहीं था। ठीक, और चोरी चकारी भी करता था, इसका मतलब ये एक ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं था, ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं था। और ये एक तरह का लफंगा होता है टाइप का, जैसे गलियों में घूमते हैं चुरा लिया सामान, ही वैसा था। ठीक है बच्चों, वैसे तो पेडलर एक तरह का अनपढ़ अनएजुकेटेड बंदा था, पर फिर भी उसकी खुद की एक थ्योरी थी, ऐसी थ्योरी, ऐसी फिलॉसफी जो उसको लाइफ ने सिखाई थी। और वो फिलॉसफी क्या थी उसकी? वो फिलॉसफी थी कि जो ये पूरी दुनिया है, ये एक रैट ट्रैप है, यानी एक चूहेदानी जैसी है, और हम सब, हम इंसान, हम सारे के सारे क्या है, चूहे हैं। ठीक है, वी आर द रैट्स। ठीक है, और हमारे लिए इस दुनिया के अंदर एक बेट है, जैसे कि इंजॉयमेंट, फन, मजा, इन सभी चीजों को पाने के लिए हम फंस जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी कोई इंसान लालच करता है तो उस लालच को पाने के लिए अपने आप खुद को जाल में फंसा लेता है। तो ये उसका एक तरह का फिलॉसफी थी। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी इस फिलॉसफी के बारे में अच्छे से। मैंने आपको समझा दिया फिलॉसफी क्या थी, सिंपली फिलॉसफी ये थी कि एक तरह की पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, और इस रैट ट्रैप में हम इंसान फंस जाते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया की इंजॉयमेंट चाहिए होती है, मज़ा चाहिए होता है, इस दुनिया की जितने भी मतलब ऐशो आराम है वो चाहिए होते हैं, और हम ऐशो आराम को पाने के लिए हम इस बेट की तरफ जाते हैं। और जाते जैसे हम इस बेट को पाने के जाते हैं, उतने में वो पिंजरा बंद हो जाता है, यानी कि चूहेदानी जो होती है वो बंद हो जाती है और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो आइडिया था उसको कब आया, एक दिन वो ऐसे सेल कर रहा था रेड ट्रैप, तो अचानक उसके माइंड में ये आइडिया स्ट्रक किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक दिन, जो पेडलर था वो अपनी चूहेदानी सेल करते हुए, रात हो गई थी तो उसको घर चाहिए था कहीं ठहरने के लिए, खुद अगर तो था नहीं उसका, तो जहाँ जगह मिलती थी वहाँ वो ठहर जाता था। तो उसको एक सुनसान से रोड पर एक क्राफ्टर मैन, जो कि एक ओल्ड मैन है, उसका घर दिखाई देता है। तो ये सोचता है कि आज की रात वहीं बिताई जाए, तो ये जाता है, डोर नॉक करता है, क्राफ्टर इसका वेलकम करता है, वो ओल्ड मैन इसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, वो बहुत फ्रेंडली मैन होता है। ठीक है, क्योंकि वो घर में अकेला रहा करता था, बहुत कम होता था कि उसके पास कोई गेस्ट आए। ठीक है, तो वो जब भी कोई इसके पास आता था, कोई इससे मिलने के लिए कोई गेस्ट आता था, तो बहुत ज़्यादा खुश होता था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खुश इस बात से होता था कि कोई उसके पास आज एक दिन गुजारने को है। ठीक है, वो एक लोनली पर्सन था और एक लोनली पर्सन अच्छे से जानता है किसी की वैल्यू। ठीक है, तो वो अपने गेस्ट को काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करता था उस दिन, जिस दिन आया पेडलर, उसकी काफ़ी खातिरदारी की, खाना पीना अच्छा दिया उसको खाने को। ठीक है, और उसको सारा कुछ खाने पीने को दिया, उसके बाद कार्ड्स खेला, उसके बाद उसने स्मोक किया और सारा काम, मतलब एक जिस तरीके से एक बढ़िया ऐश उसको दी, रात भर बढ़िया तरीके से रहे उधर को। ठीक है, और उसने काफ़ी फ्रेंडली होकर अपनी सारी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि मतलब मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पर और मेरा काम धंधा ही बढ़िया है, एकदम मस्त है। ठीक है, मैंने इतना, ऐसा नहीं कि तुम आज आए हो तो मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, रोज इतना बढ़िया खाना खाता हूँ मैं। ठीक है, और साथ साथ इसके साथ उसने ये भी बता दिया उसको कि मेरे इतना अच्छा काम चलने के बावजूद, मैंने मतलब इतना खर्च करने के बावजूद मैंने 30 क्रोन्स छुपा, मतलब बचा के सेव करके रख रखे हैं। और उसने ये तक बता दिया कि वो किस जगह सेव किए, उस बैग में सेव करके मैंने रख रखा है। अब समझ सकते हो आप, पेडलर जो कि चोर है, उसको उसने बता दिया कि कहाँ पर खजाना है, तो वो पक्का है चुराएगा ही चुराएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो क्राफ्टर होता है वो अपने काम पे चले जाता है और पेडलर लेट उठता है, वो देखता है कि घर में कोई नहीं है, वो मौका अच्छा देखता है। तो जहाँ वो 30 क्रोन छुपा के रखता है वहाँ पर एक विंडो होती है, तो जो पेडलर होता है वो घर से बाहर जाकर उस विंडो के साइड से हाथ डालकर वो पैसे निकाल के वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, यानी कि पेडलर ने यहाँ पर उसके
जो उसने ट्रस्ट दिखाया, जो उसने फ्रेंडशिप दिखाई, उसको उसने उसके एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बदले उसको क्या किया, चीट किया। और पेडलर से सारे पैसे लेकर क्या करता है, भाग जाता है। जब वो भागता है तो वो जंगल का रास्ता चुनता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं रोड से भागूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। और उसको पता था कि जैसे ही वो जो ओल्ड मैन क्राफ्टर था वो जैसे घर पे आएगा उसको पता लग जाएगा कि मैं पैसे चुरा के भाग गया। तो वो क्या करता है, वो जंगल का रास्ता चुनता है और जंगल में चले जाता है। जब वो जंगल में जाता है तो जंगल में खो जाता है वो, ठीक है, उसको रास्ता नहीं मिलता, वो खो जाता है। तो वो बहुत ढूंढता है रास्ता पर मिलता नहीं उसको। अब क्या था कि उसको भूख भी लग रही थी, वो थक भी गया था और डर भी लग रहा था उसको जंगली जानवरों का, और अंधेरा भी होने वाला था। ये सारी बातें उसको काफी ज्यादा हंट कर रही थी, ठीक है, काफी डरा रही थी। और वो एकदम इतना ज्यादा थक गया कि वो अनकॉन्शियस हो गया। जब वो अनकॉन्शियस हुआ, ठीक है, तो उसको वो जो अपना जो फिलॉसफी मैंने बताई थी आपको याद होगा, वो फिलॉसफी याद आती है उसको। वो सोचता है कि यार मैं खुद उस फिलॉसफी का शिकार हो गया जिस जो मैंने खुद सोची थी। समझ में आ गया आपको, यानी कि कैसे शिकार हो, कि वो उस लालच के पीछे भागा, उस पैसे को भागा। वो पैसा उसके लिए क्या था, एक बेट था, ठीक है, और उस बेट को पाने के लिए भागा। अगर वो उस बेट को वो नहीं जाता तो वो शायद अच्छा खासा क्राफ्टर के साथ रहता, पर वो उसने उस 30 coins का पैसा लालच किया और वो जाकर उस जंगल में खो गया, ठीक है। जब वो उस जंगल में खोया तो उसको बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि हाँ मैं भी उस पूरे अपने फिलॉसफी का एक तरह का मैं भी एक प्यादा बन गया और मैं भी इस बेट को पाने के लिए फंस गया, मैंने भी लालच किया और मैं भी ट्रैप्ड हो गया, मैंने भी उस बेट को पकड़ा और ये पिंजरा बंद हो गया। समझ में आ गया बच्चों आपको। पर जैसे ही पेडलर अनकॉन्शियस होने वाला होता है, जैसे ही वो अपनी उम्मीदें खोने वाला होता है, उससे पहले उसको एक आवाज आती है। वो आवाज किस चीज की होती है, वो आवाज होती है वो एक आयरन मिल की आवाज होती है। और जैसे ही उसको आवाज आती है, वो बिना पूरी तरीके से होश में आए उस आवाज की तरफ भागना शुरू कर देता है, ठीक है। वो आधा अनकॉन्शियस होता है, बहुत थका हुआ होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, खो जाता है, ठीक है। तो वो बस उस आवाज की तरफ भागता है, उसको एक उम्मीद दिखती है जिंदगी जीने की। तो वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो एक रामजोस मिल, उस मिल का नाम होता है, और वहां पर पहुंच जाता है। वो जब उस मिल के अंदर घुसता है तो उसको कोई भी वर्कर वहां पर नोटिस नहीं करता, ठीक है। जैसे ही वो मिल के अंदर जाता है, उसको वहां पर मिलता है आयरन मास्टर, जिसकी वो मिल होती है, ठीक है। वो उसको देखता है और वो उसको सोचता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है। किसको, वो पेडलर को। जब पेडलर को वो देखता है, तो रात होती है, अंधेरा होता है काफी ज्यादा, ठीक है, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब वो उसको पहली बार देखता है, कौन, आयरन मास्टर, जब पहली बार आयरन मास्टर उसको देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा पुराना दोस्त कोई कैप्टन है, ठीक है, जो कि मुझे बड़े दिन बाद मिला। वो उससे पूछता है, और कैप्टन कैसे हो, कहाँ थे इतने दिनों तक, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इस टाइम पेडलर बहुत घबराया हुआ था, पेडलर को भूख भी लगी थी और बहुत थका भी था। तो सोचता है, वो कुछ नहीं बोलता उसकी बात पर, वो बस एग्री करता है, कहता है कि मैं खो गया था, ये सब बताता है, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, पर वो रिजेक्ट भी नहीं करता। ये बात पॉइंट करने वाली बात है कि वो इस बात से एक्सेप्ट भी नहीं करता कि वो उसका दोस्त है, पर उसको रिजेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि उसको वहां पर ठहरना था, ठीक है। उसको लगता है कि अगर मैं आज रात भर यहाँ पर रुक जाऊंगा तो कल सुबह होकर मैं ऐसे निकल जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी खबर तो फैलनी थी कि एक वो पैसे चुरा के भाग आया किसी के, तो वो अगले मॉर्निंग के प्लानिंग में था। पर क्रिसमस ईव भी पास थी, क्रिसमस का दिन भी पास था, अगले एक दो दिन में क्रिसमस थी। तो जो आयरन मास्टर था वो सोचता है कि मेरा पुराना दोस्त है, उसको घर क्यों ना अपने घर के लिए ऑफर किया जाए। तो वो उसको घर के लिए बोलता है कि चलो मेरे घर, मेरी बेटी और हम दोनों अकेले हैं, हम सब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे घर पे क्रिसमस। पर वहां पर पेडलर जानता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होगी और जैसी उजाला होगा और सब कुछ, मतलब पता लग जाएगा उसको कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, तो इसलिए मना कर देता है। जब आयरन मास्टर इस बात से काफी ज्यादा उसको फोर्स करता है, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पेडलर मना करता है उसको। फिर वो आयरन मास्टर उदास होकर घर चले जाता है। जब घर जाता है तो वो अपनी बेटी एडला को बताता है, ठीक है, ये नया कैरेक्टर जो कि उसकी बेटी है, आयरन मास्टर की बेटी। तो अब तक हमने 4 कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से कैरेक्टर बच्चों, एक पेडलर, एक आयरन मास्टर, एक एडला और एक क्राफ्टर जिसके वो पैसे चुरा के भागा, ओल्ड मैन, ठीक है। इन चार कैरेक्टर के ऊपर ही पूरी स्टोरी है। तो ये 4 कैरेक्टर याद रखना, हम कहां पे थे, एडला पे। तो एडला जो एडला थी, ठीक है, वो एक छोटी लड़की थी, 12 साल की, पर उसका दिल बहुत बड़ा था, एक बहुत काइंड पर्सन थी वो, ठीक है। और जब वो सुनती है इस बात को कि मेरे फादर को उनके पुराने दोस्त मिले, वो भी इस कंडीशन में, तो सोचती है कि नहीं वो कोई दोस्त नहीं है। तो एडला सोचती है कि मैं एक बार जाके मिलूं उनसे। तो एडला कहती है कि फादर अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो क्या पता वो आ जाए। तो एडला ये बोलकर उनके पास रिक्वेस्ट करने जाती है, और जैसे ही एडला उनके पास जाती है, ठीक है, तो वो देखती है कि ये पर्सन मेरे फादर का कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसकी हालत इतनी अजीब सी होती है उसकी। मैंने बताया आपको कि वो पेडलर काफी, मतलब भिखारी होते हैं, तो आपको पता है कि कैसे होते हैं वो, एकदम पतले कमजोर से, उनकी आंखें इतनी मोटी मोटी, ठीक है, मतलब भारी भारी, एकदम धसी हुई अंदर में, तो एकदम मतलब ला जला के उसके लुक को ही देख के बता सकता है कोई कि ये कौन है, ठीक है। तो एडला पहचान जाती है कि ये ना एक भागा हुआ, या तो कहीं से भागा हुआ कैदी है, या फिर ये बहुत ज्यादा, मतलब
डरा हुआ इंसान है, ये पक्का है कि ये मतलब मेरे फादर का दोस्त तो नहीं है, पर फिर भी एडला उसको वेलकम करती है अपने घर पर। एडला उसको बहुत इतने प्यार से बोलती है कि जो पेडलर होता है कि वो रिजेक्ट नहीं कर पाता उसका ऑफर, ठीक है, क्योंकि छोटी बच्ची होती है उसके, उसको कहता है चलो ठीक है मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट, बल्कि जानता था पेडलर कि अगर वो जाएगा उसके घर तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसका जो राज है वो फाश हो ही जाएगा, वो पता लग जाएगा कि ये कोई दोस्त उस नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जाते हैं उसके घर पे, तो जो पेडलर था वो अपना मतलब नहाता धोता बढ़िया तरीके से शेव वगैरह करता है मस्त एकदम, और उसके फादर के वो कोट पहनता है, एडला के फादर का जो कोट पहनता है, और जब सबके बीच आता है तो सिंपल सी बात है पता लग जाएगा कि उसका कोई दोस्त उस नहीं था, ठीक है। तो एडला के फादर काफी गुस्सा होते हैं उससे, और वो उसको कहते हैं कि तुमने मतलब धोखा किया, तुम मेरे कोई दोस्त दोस्त नहीं हो, ठीक है, और मतलब तुमने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, तुम कोई धोखेबाज हो बहरूपी हो, ये कह के उसको बेइज्जत करता है और बोलता है कि तुम यहाँ से अभी अभी के अभी मेरे घर छोड़ के चले जाओ। तो इस बात पर डिफेंस में पेडलर बोलता है कि देखिए मैं तो आपके घर में आना चाहता नहीं था, और मैंने कहा ही नहीं था कि मैं आपका दोस्त कोई पुराना दोस्त कैप्टन हूँ, आपके कहने पे मैंने रिजेक्ट कर दिया था, आपकी बेटी आई थी जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बोला, तो मैं उसकी इस काइंड हार्टेड दिल को मना नहीं कर पाया, इस काइंड से हर्ट को, ठीक है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आया, ठीक है, वरना मेरा कोई आना नहीं था, इसलिए मैं कोई धोखेबाज आपके लिए नहीं हूँ। तो फिर वो यहाँ जाने वाला होता है, उतनी देर में ही जो एडला थी वो एक बार और फिर अपना प्यार दिखाती है और बोलती है कि फादर जो इन पर्सन ने कहा, इन अननोन पर्सन ने कहा वो सही तो कहा, इन्होंने तो कहा ही नहीं था हमारे घर पे आने के लिए, हमने जाके इनको फोर्स किया और ये आए, और वैसे भी क्रिसमस ईव है तो हम क्रिसमस पे किसी को भी मतलब ऐसे नहीं करते बेइज्जत, या फिर किसी को ऐसे घर से नहीं निकालना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो क्यों ना आज इनको अपने घर रोक लेते हैं और इनके साथ ही इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इस बात पर उसका फादर एग्री हो जाता है, यानी कि आयरन मास्टर एग्री हो जाता है, और जब आयरन मास्टर एग्री होते हैं तो यहाँ पर वो जो पेडलर था वो ये देखता है कि मतलब वो छोटी सी लड़की, उसने इतना उसमें इतना ज़्यादा प्यार कहाँ से है, और वो जब देखता है कि इतनी सी लड़की इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, उसके पास इतना प्यार है, तो उस प्यार से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पर पेडलर डिसाइड कर लेता है कि इस दुनिया में मतलब बहुत प्यार है अगर हम ढूंढे तो, ठीक है, और वहाँ से वो अपने दिल की जितनी बुराइयाँ होती हैं उनको ख़त्म करने की सोचता है, ठीक है, और एक नया नई जिंदगी शुरू करने की सोचता है, क्योंकि एक तो वो वैसे भी अपने मतलब अपनी जो फिलोसफी थी उसमें फंस गया था वो, ठीक है, वो समझ गया था कि अगर हम लालच करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बुरा ही फल मिलने वाला है, ठीक है, और हम फंस ही जाएंगे, और दूसरा उसने ये इतना बढ़िया प्यार देख लिया एडला का कि उसको वैसे भी सोच रहा था कि अपना मैं माइंड चेंज कर लूँ। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि अपना एक नया पाथ शुरू करने का, जिंदगी एक नए मोड शुरू करने की, और यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो एडला होती है वो अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, ठीक है, फैमिली के साथ अपने बाहर घूमने जाती है, क्रिसमस इवनिंग होता है वो बाहर घूमने जाती है, और जो पेडलर होता है वो घर पर ही रुका हुआ होता है। जब बाहर जाती थी उसको वहाँ पे न्यूज़ मिलती है कि एक मतलब एक ऐसा फेरी वाला पेडलर, ठीक है, एक क्राफ्टर ओल्ड मैन के पैसे चुरा के भागा है, और जब उनको वो फोटोज़ वगैरह जब दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार ये तो हमारे घर में रुका हुआ है, और फिर वो फटाफट अपने घर वापस जाते हैं। वो इस बार मतलब एडला काफ़ी डर जाती है कि मतलब हमने एक चोर को बना दिया और ऐसा था वो वगैरह वगैरह, मतलब वो डर जाते हैं कि हमारे घर में वो अकेला है और हमारे घर में क्या पता वो चोरी कर ले, तो फटाफट घर जाते हैं, और घर जाके जब भी वो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, और वहाँ पर पेडलर नहीं था घर में, ठीक है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर टेबल पे उनके पास वहाँ पर एक लेटर छोड़ देता है पेडलर, और वो लेटर होता है एडला के लिए, ठीक है, और साथ साथ एक जो उसने 30 करोड़ चुराए हुए होते हैं वो भी एक पैकेट में वहाँ पर रख देता है, ठीक है, और एक छोटा सा क्रिसमस प्रेजेंट भी उसके लिए वहाँ पर रख देता है। तो तीन चीज़ रखता है, क्रिसमस प्रेजेंट, लेटर अपना, और एक जो 30 करोड़ चुराए होते हैं वो। उस लेटर में उसने लिखा होता है कि मैं पहले बहुत बुरा था, पहले इतना मैंने चोरियाँ की, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील करता हूँ, ठीक है, और इस छोटी काइंड बच्ची की वजह से, एडला की वजह से, मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर वापस शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची ने मुझे इतना अच्छा प्यार दिखाया कि जो मेरी मतलब इंटरनली जो सोल थी वो जाग गई, और मैं अब से ये बुरे काम छोड़ दूंगा, ठीक है। इस तरीके का वो लेटर लिखता है, और लिखने के बाद वो उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट देता है, और क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, वो एक छोटा सा रैट ट्रैप था, छोटा सा, ठीक है, वो उसको उसके लिए वो क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ देता है। तो इस बच्चों की स्टोरी से यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है, और एडला विलियम बहुत खुश होती है कि मतलब मेरी वजह से एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली। तो बच्चों की स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि मतलब अगर हम ढूंढे तो अभी भी बहुत कुछ है हमारे लिए, पॉजिटिविटी कहीं से भी मिल सकती है आपको, और अगर आप एक अच्छा डिसाइड कर लें तो करने का कुछ तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर पेडलर ने अपने आप को चेंज किया, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची की वजह से उसका प्यार देखकर उसने अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली, वैसे ही हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहती है।
ठीक है, आपका ये बेस्ट एग्जांपल है थिंक ऑफ ब्यूटी बोल सकते हैं आप उसको, जो कि आपकी पोयम है। यहाँ पर जो पेडलर था उसको वो थिंक ऑफ ब्यूटी मिल गई यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसी चीज। तो आप अगर आपने थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम नहीं पढ़ी तो शायद आपको समझ ना आए मेरी बात, पर जब आप पढ़ेंगे और जब मैं डालूंगा इसमें पोयम नेक्स्ट लेसन जब भी आएगी, ठीक है, जरूर देखिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। तो फिलहाल के लिए स्टोरी इतनी ही थी, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए डाउट, ठीक है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल, ठीक है। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।